यहाँ से माँ बाप ने पैदा कर दिया, शर्म नहीं आती कमर तो। तेरा जूता? अरे संभाल संभाल टिका लिया, क्या इरादा है रे? काय का इरादा? अरे तेरे को शर्म वरम है कि नहीं है? शर्म तो है रे। एक तो मैं तेरे को संभालती थी, तू मेरे को ही नखरे दिखाता है। क्या बदतमीजी है, आते ही जूता गायब हो गया। कौन सी जलील जगह है ये? ये कौन? अरे अंकल, बैंड मास्टर किसके यहाँ बैंड बजाने आया है रे? ए, 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 हटो हटो, क्यों परेशान कर रहे हो सर्कस वाले आदमी को? हाँ सर्कस सर्कस कहने वाले का हमारे यहाँ सर्कस दिया जाता है। जंगूरी क्या? सोना गरीबों के लिए बना के रहूंगा, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। करण जी, ये सब क्या है? ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। कैसे? आप मुझसे पूछे बगैर फिर होटल से निकल आए? सॉरी करण जी, इस बस्ती को देखने की तमन्ना में हमें रात भर नींद नहीं आई, इसलिए हम चले आए। इस बस्ती को देखने की तमन्ना में? अरे क्या रखा है इस बस्ती के अंदर? एक नंबर के जलील और बेहुदा किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। हमें देखते हमारा मजाक उड़ाने लगे। हम क्या मजाक उड़ाने की चीज है? क्या है ना करण जी, आप अभी अभी आए हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है, वरना बस्ती के लोगों के दिलों में तो बस प्यार ही प्यार है। प्यार ही प्यार नहीं, मार ही मार है। जब से मैं आया कोई धक्के मार रहा है, कोई गेंद मार रहा है, ये देखो। और तुम इस नालायक बस्ती की सिफारिश कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब था, यहाँ आकर ठीक हो गया है। यहाँ आके ठीक हो गया? और राजमहल में? वहाँ तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, सब बेवकूफ समझ के धुतकारते थे। और यहाँ पर हमें सब प्यार करते हैं, हमें सब चाहते हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम मुंबई आकर ऐसी बेहूदा हिमाकत करोगे तो मैं हरगिज नहीं आता, भले मुझे मारा शूट कर देते। करण जी एक बात सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम जिस मंजिल की तलाश जानना में जाए, तुम और तुम्हारी मंजिल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरे साथ होटल चलो। मैं उस होटल में नहीं आऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर कहाँ रहेंगे हम लोग? अरे चलो 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 बच्चे। अरे पागल करेगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे हम रहेंगे कहाँ पर? कहाँ रहेंगे हम? यहाँ। यहाँ कहाँ? इसी बस्ती में। इस बस्ती में? जी क्यों नहीं रह सकते, जब हजारों लाखों लोग इन्हीं बस्तियों में पैदा होते हैं, इन्हीं बस्तियों में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, यहीं मर जाते हैं, तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं रह सकते? क्या हम इंसान नहीं है क्या? क्या लॉजिक लेकर आए सब? थैंक यू। लोग झोपड़ों में रहते हैं और महलों के ख्वाब देखते हैं। ये पहला बेवकूफ देखा है जो महलों में रहता है झोपड़ों के ख्वाब देखता है। एक बात बताओ, ये अचानक तुम्हारे दिमाग में इतनी अकलमंदी की बातें आई कहां से? इधर क्या है? यहाँ की गरीबी से, इस बस्ती की मिट्टी से। अरे मिट्टी मेरे दिमाग में भर गई है। तुम होटल चलते हो कि नहीं चलते हो? नहीं, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, फिर तुम रहो यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी खत्म, हम जा रहे हैं रजवाड़े वापिस। ठीक है, आप रजवाड़े जाइए, पीछे पीछे हमारी कुछ भी लाश पहुंचेगी वहां पर, फिर महाराज को जवाब देना। अरे अरे खैर, अरे अरे मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। आज मैं आपको बता दूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। एक मिनट मेरी बात सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है। ये मटका देख रहे हो? मटका? हाँ ये देखिए, जिस तरह ये मटका फूटा वैसा ही मेरा सर भी फूट जाएगा। मुझे मालूम है तुम सब कुछ कर सकते हो, आ जाओ नीचे। खाओ मेरे सर की कसम, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हारे सर की कसम नहीं जाऊंगा, आ जाओ नीचे। चलिए अब लो जाइए, हमारा जाती मामला है, ये मुंह बंद करो। फोकट का तमाशा करता है। चलो चलो जाओ भाई, चलो। तो कहाँ रहना होगा इस बस्ती में? यहाँ। यही एक खोली खाली है।
20 साल से ये खोली बंद है। 20 साल पहले यही खोली में हम अपनी औरत के साथ सुहागरात मनाने को आया था। देखो ये कमरा चलेगा, फर्स्ट क्लास। वाह, ये तो भूतों का कमरा, इसमें कौन रहेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं करण जी, आप जैसे बहादुर सुरमा भूतों की बात करते, हम यही रहेंगे, यही। क्या बात करता है, इस कमरे में? चूहा करो भाग। जी। अरे क्या बात कीजिए, कौवा। कौवे ने मुझ पे गलाजत छिड़क दी, तुम हंस रहे हो? गलाजत नहीं, कौवा हगा। गुड लक। क्या है, कौवा हकता है तो गुड लक बोलते हैं। तेरी तो कौवे की तो बहुत मकार आदमी है। तुम लोग मेरा खाली पीली टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोगों को इधर रहने का है कि नहीं? बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल रहना है, बिल्कुल। हम इसी कमरे में रहेंगे। ये लीजिए एडवांस। क्या देख रहे हैं आप? हम जाता है, कोई चीज का जरूरत हो तो हमको आवाज देना। हम नीचे ही बैठे रहे। कौवा हगा, गुड लक बैंड मास्टर। गोवर्धन, ये सब क्या हो रहा है? देखो अपनी बेवकूफियां कम कर दो, वरना मैं महाराज को फोन कर दूंगा, वो खुद आएंगे, तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे अगर तुम चाहते क्या हो? दिल। दिल? दिल उस लड़की का, जिसके कारण हम इस बस्ती में रहेंगे। कौन सी लड़की? वही जो हमें सड़क पर पहली बार मिली थी, वही जो इस बस्ती में गरीब बच्चों को पढ़ाती है, वही जो हमारे दिल में समा गई है। तुम्हारा मतलब वो स्कूल टीचर जो बच्चों को पढ़ा रही थी? हाँ करण जी, वही। जिस दिन हम उस लड़की का दिल जीत जाएंगे, उसी दिन हम राजवाड़ा वापस चले जाएंगे। ये एक राजपूत का वादा है। महाराज ने किस मुसीबत में फंसा दिया है ये सनकी आशिक? महलों से इश्क करने आया झोपड़ों के अंदर। क्या मुसीबत है करण जी? करण जी बम्बई आए नौकरी की तलाश में। नौकरी? हाँ, भारती के चचा है ना, उनकी लॉन्ड्री है, वहां हम काम करेंगे। लॉन्ड्री में क्या काम करेंगे? धोबी बनेंगे, धोबी। धोबी धोबी। देखो क्या कि उसको अमीरों से नफरत है, गरीबों से प्यार है। देखो अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। चढ़ जाऊं? हां चढ़ जाऊं। नहीं नहीं, देखो एक बार अगर कहीं महाराज को पता चल गया कि हम लोग इतनी गंदी बस्ती में रहते हैं और धोबी की नौकरी कर रहे हैं तो? अरे वो बच्चो बोलो ऊपर। एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में। शांति, हवा आप भी आई। परसों से करण जी हमें यूं जगाते आए हैं, आज हम उन्हें वैसे ही जगाएंगे। श्री करण सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। आज 7 दिसंबर 1991 सुबह के 8 बजे हैं। आज का प्रोग्राम क्या है? शाही बिस्तर से उठकर आप शाही गुसलखाने की तरफ जाएंगे और नल जिससे कतरा कतरा पानी आता है, बिना साबुन लगाए नहाकर दांत ब्रश करने के बजाय सिर्फ कुल्ली करके तैयार होंगे और नाश्ता करेंगे। जी नाश्ते में आपको वड़ा पाव, इडली सांभर, मेदूवड़ा चटनी, प्याज के भजिए, अदरक की चटनी, बम्बई के सारे बेहतरीन नाश्ते पेश किए जाएंगे। नाश्ता करने के बाद आप 4 लिमिटेड बस पकड़ के चावला की लॉन्ड्री में जाएंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद का प्रोग्राम जी पेश किया जाए नाश्ता। मेरे कपड़े अभी लाया सर, ये रहे सर। ये किसके कपड़े? आपके। तो ये क्या? छेद।
और ये? ये भी छेद। तो ये इतने बड़े बड़े छेद हैं तो छुपाएंगे क्या? ये छेद पहले तो नहीं थे? मैंने थोड़ी किए। तो किसने किए? माफ करना साहब, वो क्या है, इस होटल में चूहा लोग बहुत है ना, उनको बाहर खाने को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इस होटल में आके गिराक लोगों का कपड़ा खा जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करना, ये कपड़ा देखो हम भाड़े पे देता है, हर स्टाइल का है और हर साइज का है, तुम लोगों को एकदम फिट आएगा। अरे सब लोग लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है, चूहा खाता है कपड़ा लेता है। अब ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छा तुम्हें काम करे रख दो, हम छांट के ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चो बाकी कपड़े नीचे लेके आना। जूते चाहिए तो भी है? नहीं आज के लिए इतना काफी है, जूते बाद में खा लेंगे। नहीं पहन लेंगे। ओके और कुछ? हाँ एक जरूरी काम था। क्या? तुम जाओ यहाँ से। ओके ओके। शाबाश मेरे अमिताभ, वारे मेरे जितेंद्र, जीते रहो राजेश। शाबाश रे मेरे बच्चे लोग, ऐसा ही गिराक लोगों का कपड़ा खाते रहना।